है, देसी घी में फ्राई होता है। हाँ आलू फ्राई चाट, आलू फ्राई चाट, ये लोग आलू फ्राई चाट लगेगा, देख सकते हो। इसका कितना नाम रहता है? 80 रुपया, 80 रुपया, 80 रुपया आलू को फ्राई किया जाएगा। तो कितना दिन हो गया भैया इस दुकान पर? यहाँ पे इस दुकान को भैया हो गया आपका कम 24 साल हो गया, यहीं पे 24 साल हो गया, यहाँ पर सारी दुकान चल रही है। ये 2000 से चालू हुआ था, 2000 से 2024 साल हो गया। तो क्या क्या चाट रहता है थोड़ा बोल दीजिए, क्या क्या वैरायटी से चाट रहता है? वैरायटी का चाट टिकिया छोला चाट रहता है, दही छोला टिक्की रहता है, पापड़ी चाट रहता है, पापड़ी चाट रहता है, दही भल्ला रहता है, दही भल्ला रहता है, दही भल्ला रहता है, बॉम्बे वड़ा पाव, बॉम्बे वड़ा पाव, वड़ा पाव भी रहता है, बॉम्बे वड़ा पाव रहता है, इधर पाव भाजी रहता है, पाव भाजी रहता है, बॉम्बे का भी फेमस चीज है, आगरा का भी फेमस चीज है। सबसे बेसिक क्या चाहिए? आलू दही टिक्का, दही छोला टिक्की, दही छोले टिक्की। आपका नाम बता दीजिए। मेरा मेरा नाम अशोक शर्मा है। अशोक शर्मा है, आप लोग कोलकाता से नहीं है? नहीं, हम लोग आगरा से हैं। आगरा से ही, आगरा चाट सेंटर नाम भी है, आगरा चाट सेंटर नाम भी है, आगरा के रहने वाले भी हैं, आगरा ताजगंज, ताजगंज। ना ये सब चाट वाट फ्राई करते सब घी में ही फ्राई करते हैं? हाँ सब घी में, तेल यूज नहीं करते? नहीं नहीं। चलो क्या है ये? ये आलू छोला चना। ये किस चीज में ढलते हैं? पापड़ी चाट, पापड़ी चाट, पापड़ी चाट में आलू छोला चना। बस ये हम लोग अभी फ्राई हो चुका आलू, आलू का कलर देख सकते हो कितना अच्छा कलर, बेहतरीन कलर में आलू का कलर आया, देख सकते हो। ये आपका आलू आ गया एकदम क्रिस्पी, एकदम क्रिस्पी, एकदम क्रिस्पी आलू आ गया। ये चाट मसाला आ गया, तो बोले चाट मसाला गया हम लोग का। क्या कहते हैं चाट मसाला दे दे, नमक दे दे, नमक है, गरम मसाला है, काला नमक है। ये धनिया का चटनी आ गया, जैसे किसी को मीठा खाना तो मीठा डाल सकते हो, नहीं खाना नहीं ज्यादा, नहीं ज्यादा मीठा नहीं, जैसे अच्छा लगेगा वैसे बना देना। नींबू आ गया, ऊपर से नींबू गया देख सकते हो, ये आधा धनिया आ गया, चाट मसाला। अभी आपका हो गया चाट, आलू फ्राई चाट बन गया, हम लोग बन गया रेडी। इसका कितना दाम बोले आप? 70 रुपये, 80 रुपये, 80 रुपये। तो यहाँ से चाट कितना दाम से शुरू होता है? यहाँ से 60 रुपये से स्टार्टिंग है। लास्ट कितना हाईएस्ट है? लास्ट है 150। 150 का क्या चाट मिलता है? 150 का मिक्स चाट मिलता है, मिक्स चाट। ये हम लोग चाट बनकर रेडी, आलू चाट, आलू फ्राई चाट देख सकते हो, कलर देख सकते हो आप एक बार, वैसे सब मसाला जाएगा। ये आपका हो गया आलू फ्राई चाट। चलो क्या है? आलू टिक्की चाट, आलू टिक्की चाट है, नमक मसाला डालेगा, गरम मसाला, चाट मसाला। ये काबली छोले डालेंगे, रगड़ा, रगड़ा छोला, धनिया का चटनी है, ये खजूर का चटनी है। सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा चाट चलता है आप लोगों यहाँ? छोला टिक्का चाट, छोला टिक्का चाट, ये वाला। हाँ इसका कितना दाम रहता है? 70, 70 रुपये। हाँ भैया, ये दही सूजी पुचका बन रहा है ना? हाँ जी, दही सूजी पुचका है। कितना पीस पुचका रहेगा? 5 पीस रहेगा, 5 पीस, 5 पीस, 5 पीस। ये पुचका क्या पूरा सूजी का बनता है? हाँ भैया, नॉर्मल पुचका किस चीज से बनता है? भैया जो गुड़ पुचका होता है नॉर्मल होता है, हाँ वो बनता है, आटा का बनता है, मैदा का बनता है, और ये पूरा सूजी, ये पूरा सूजी का, प्योर सूजी। अच्छा, सबसे पहले ये क्या है? ये क्या आलू? ये आलू है मसाला का, पुदीना का आलू है। इसका कितना दाम रहता है? 60 रुपीज़, 60 रुपीज़, 5 पीस, 5 पीस। नहीं मसाला? हाँ डालिए, क्या क्या मसाला दिएगा बोलिए, कौन सा मसाला दिए? नमक, सेल्ट, गरम मसाला, हाँ चाट मसाला, धनिया मसाला, धनिया मसाला। ये धनिया पुदीने का चटनी है। तीखा रहता है क्या? तो तीखा नहीं रहता है कम। इमली का चटनी, मीठा चटनी, ये चटनी अमचूर चटनी है, खजूर का, खजूर का पूरा, खजूर अमचूर, खजूर की चटनी है। ये दही कैसा है? दही खुद से जमाते हैं कि रेडीमेड खरीदते हैं? सर खुद से बनाते हैं, घर पर बनाते हैं, घर पर बनाते। ये सेव गया, बन गया। एक बार अपनी दुकान का एड्रेस बता दीजिए। मेरा दुकान का नाम है सिटी सेंटर फोर्टली,
BC14 बीकरम के सामने। टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग रहता है 12 से 11, हर दिन खुला रहता है। तो ये हम लोग आगरा चाट सेंटर लगवा लिए दही सूजी फुचका। कोलकाता में फुचका मतलब दही सूजी फुचका, फुचका तो बहुत जगह मिलता है पर दही सूजी फुचका नहीं मिलता। यहाँ का फुचका से भी पूरा अलग है, आप देख सकते हो लंबा लंबा फुचका है, ऐसा कुछ फुचका है देख सकते हो। और 5 पीस का नाम 60 रुपये रहता है। और यहाँ पे जो ऑर्डर जो कुछ कर रहे हैं फुचका मिलता है, वो बोलते हैं कि आधा और मैदा का बनता है पर ये प्योर सूजी का बनता है, तो इसको ट्राई करते हैं। बहुत सारा मसाला गया, सेम जैसे हम लोग का दही फुचका होता है वैसे है, बट ये सूजी से बना हुआ है, उसको एक बार टेस्ट करते हैं। 60 रुपये दाम है 5 पीस का। दही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप देख सकते हो, ट्राई करते हैं। फिर जो सूजी फुचका का टेस्ट है, जैसे हम नॉर्मल फुचका खाते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है, बहुत ज़्यादा क्रंची होता है, ये उतना क्रिस्पी उतना क्रंची नहीं है। और इसका जो मतलब जो ये जो फुचका है ये थोड़ा सा मोटा है, जो जो नॉर्मल हम कोलकाता का फुचका खाते हैं कोलकाता वो पतला रहता है, पतला रहता है तो बहुत और ज़्यादा क्रिस्पी होता है, और ज़्यादा क्रंची होता है। ये उतना क्रंची नहीं, उतना क्रिस्पी नहीं है, अलग टेस्ट है। इनका जो आलू जो हम लोग कोलकाता जो मसाला होता है आलू का, वो भी इनसे वो भी एकदम यहाँ का यहाँ से अलग रहता है। इनका मसाला जो है वो थोड़ा सा अलग तरीका का मसाला है, अलग तरीका का मेकिंग है इनका आलू का, वो आगे से बना के रखे थे भैया। तो जैसे कोलकाता फुचका होता है एकदम उससे अलग है। आपको थोड़ा सा अलग स्टाइल का फुचका ट्राई करने का मन हो तो यहाँ पे आके इनका ये फुचका ट्राई कर सकते हो। कोलकाता का सेक्टर 1 बीकाराम के पास में शॉप है, आगरा चाट सेंटर नाम है। और भी बहुत सारा वैराइटीज का चाट है, एकदम अलग है। दही फुचका जैसा होता है कोलकाता से डेही फुचका होता है उससे थोड़ा सा अलग है। तो ये हम लोग बहुत फेमस यहाँ का आलू फ्राई ले लिया, आलू फ्राई चाट। ठीक है, आपके ऊपर आलू का कलर देख लो, एकदम ब्लैक कलर में आया है और बहुत क्रिस्पी आलू है। और जो इसका अरोमा आ रहा है बहुत सुंदर अरोमा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसका अरोमा। अरोमा से देख लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। आप क्वांटिटी देख सकते हो, ज़्यादा आलू नहीं है, 80 रुपये इसका प्राइस है। तो इसको टेस्ट करते हैं। आगरा का बहुत फेमस है ये आलू फ्राई और बहुत क्रिस्पी है। भैया बोले कि यहाँ पे सबसे बेसी वो आलू टिक्की चाट चलता है, बट ये बहुत अलग सा मेरे को, बहुत यूनिक तरीका है। इसको टेस्ट करते हैं, कलर देख के बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, कलर देख के मतलब लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा, एक बार ट्राई करते हैं। आलू चाट का जो टेस्ट है, आलू फ्राई का टेस्ट है, लाइफ का बेस्ट आलू मैं खा रहा हूँ, आलू फ्राई खा रहा हूँ, इतना अच्छा टेस्ट है, एकदम चटपटा टेस्ट है, बहुत मसालेदार है, एकदम क्रिस्पी लग रहा है खाने में, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैंने ऐसा आलू सच्ची अब तक कभी कहीं नहीं खाया, और ये कोलकाता में से फर्स्ट टाइम मैंने आलू फ्राई देखा। बहुत टेस्ट है, बहुत फ्लेवरफुल है, एकदम चटपटा टेस्ट है, खट्टापन टेस्ट है, एकदम हल्का सा स्पाइसी ने जो मसाला है इनका, जो मसाला दिया, जो चटनी दी है, चटनी इनका बहुत अच्छा है, चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हल्का खट्टा एकदम सिंपल मतलब बहुत चटपटा लग रहा है। और आपको अगर आपको आलू पसंद है तो यहाँ पर ये आलू फ्राई आपको खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत फ्लेवरफुल है, मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसा हमें एकदम चैलेंज को समझ, ऐसा आलू फ्राई आपने कभी कहीं नहीं खाया हुआ। तो कोलकाता कभी भी सिटी सेंटर के पास आओ तो यहाँ से इनका बहुत सारा वैराइटी का चाट है, आपको कोई भी चाट ट्राई करने का मन ट्राई कर सकते हो, बट इनका ये आलू फ्राई जरूर ट्राई करना, आपको मज़ा आएगा। आपको अगर आपको आलू पसंद है तो ये आलू फ्राई जरूर खाना, आपको मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ मैंने लाइफ में पहला बार स्ट्रीट में देखा जहाँ पे चाट घी में फ्राई हो रहा है, चाट मतलब घी में फ्राई करके दिया जा रहा है, यहाँ पे तेल यूज़ नहीं करते। जितना भी वैराइटी का चाट लो, आलू टिक्की चाट लो या फिर कुछ भी लो, जो ये फ्राई करते हैं वो पूरा घी में, देसी घी में फ्राई करते हैं। लाइफ में मैंने पहला बार देखा स्ट्रीट में ये घी में फ्राई करते हुए, तो बहुत, और घी का फ्लेवर भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि आपको बस बोल रहे आपके भाव गया वो पता चलेगा कि घी का अच्छा खासा फ्लेवर है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 80 रुपये प्राइस है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आप जब टेस्ट करोगे तो आपको बहुत लगेगा, क्योंकि क्वालिटी भी अच्छा है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। टेस्ट अच्छा होने से वर्थ हो जाता है वो चीज़, तो टेस्ट बहुत अच्छा है, पूरा 80 रुपये वर्थ होगा। तो मैं जल्दी से तो खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।